शमी के पांच पत्ते, बेलपत्री के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते और बेलपत्री के पांच पत्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, उपाय को पूरा जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आप पूरा उपाय जान पाएंगे कि आपको कैसे उपाय करना है और कब ये आपको उपाय करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न होता है, आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं गुरु जी से। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से पांचों बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए। और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला, उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार सुधार कर जाओ, जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को सही नहीं कर, अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पांचों पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति। महाराज, शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई, ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है, शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां का। भक्तों, सावन का महीना सबसे बड़ा महीना, सावन का महीना महादेव की पूजा के लिए सबसे बड़ा महीना होता है, और इस महीने में अगर आप कोई भी महादेव की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको दो गुना मिलता है। इसलिए आज का जो ये उपाय है ये सिर्फ आपको सावन के महीने में करना है। गुरु जी ने पूरा उपाय बताया है, अब मैं दोबारा से आपको पूरा उपाय डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, तो पूरा उपाय आप ध्यान से समझना। ये उपाय हमें करना कब है और क्यों करना है हमें ये उपाय? ये उपाय आपको तभी करना है अगर आपके घर में कोई गलत आदत का शिकार व्यक्ति है,
कोई गलत रास्ते पर चला गया है, कोई नशे में पड़ गया है या कोई जुए में पड़ गया है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय आपको करना कब है? ये उपाय आपको सिर्फ सावन के महीने में करना है, और वो भी सावन महीने की अष्टमी के दिन करना है। सावन महीने में दो अष्टमी तिथि आती है, दोनों अष्टमी तिथि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी अष्टमी के दिन करिए। ये उपाय करने के लिए हमें क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत है? उपाय के लिए आपको तीन प्रकार के पत्ते लेने हैं और दो प्रकार का आपको चंदन लेना है। पत्तों में पांच आपको बेलपत्री के पत्ते लेने हैं, पांच शमी के पत्ते और पांच ही बेर के पत्ते लेने हैं। चंदन आपको लाल और पीला लेना है। बेर के पांचों पत्तों के ऊपर एक साइड में लाल चंदन लगाना है, बेलपत्री के पत्तों के ऊपर पीला चंदन लगाना है, और जो शमी के पत्ते हैं उनके ऊपर आपको कोई भी चंदन नहीं लगाना, जैसा पत्ता है वैसा ही आपको रखना है। यह पांचों चीजें लेकर और साथ में एक लोटा जल लेकर आप महादेव के मंदिर में जाइए। महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको लाल चंदन लगा हुआ बेर का पत्ता समर्पित करना है। बेर के पांचों पत्ते आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, उसके बाद आप पीला चंदन लगे हुए बेलपत्री के पत्ते महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, और सबसे अंत में शमी के पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे। तीनों पत्ते महादेव को समर्पित करने के बाद, महादेव से प्रार्थना करने के बाद, तीनों पत्तों को आप वापस उठा लेंगे। तीनों प्रकार के पत्ते वापस उठाकर आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और तीनों प्रकार के पत्ते बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देने हैं। पेड़ के नीचे रखने के बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं वो जल आपको इन पत्तों के ऊपर समर्पित करना है, और साथ में अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पूरा जल समर्पित करने के बाद उन तीन प्रकार के पत्तों में से बेलपत्री के पांचों पत्ते आपको उठा लेने हैं, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो पांचों पत्ते, बेलपत्री के पांचों पत्ते लेकर आप अपने घर आ जाइए और उन पत्तों को अपने घर में लाकर रख लीजिए। अब इन पत्तों का क्या करना है? जो भी गलत आदत का शिकार व्यक्ति है, जो भी नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति है या जो गलत संगत में पड़ गया है, उस व्यक्ति को इन पत्तों में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर लगातार 21 दिन खिलाना है। अगर वो अपनी मर्जी से खाए तो सबसे अच्छा है, अगर अपनी मर्जी से ना खाए तो आप उसको भोजन के साथ या किसी भी तरह से आप खिला सकते हैं, पर आपको लगातार 21 दिन खिलाना है। 21 दिन अगर आप ये पत्ते उसको खिलाएंगे तो आपको अवश्य इसका रिजल्ट भी मिलेगा, और वो गलत आदत का शिकार जो व्यक्ति है उसकी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं उसका रिजल्ट अवश्य मिलता है, उसका फायदा अवश्य मिलता है। आपने खुद देखा होगा गुरुजी की कथा में बहुत सारे पत्थर भी आते हैं, और सभी पत्थर में सभी उपाय के अलग अलग फायदे भी बताए जाते हैं। तो आपके घर में भी अगर कोई गलत आदत का शिकार व्यक्ति है तो आप एक बार ये उपाय जरूर करना। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा उपाय बताने की, अच्छी तरह से समझाने की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पूछना तो आप एक महादेव के नाम का कमेंट जरूर करना। और आप हमसे वार्ता करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आप हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ पाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।